माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की बात करते हैं, नो अबाउट बैलेंस। फ्रेंड्स, जो बैलेंस है, इंग्लिश में बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। अब बैलेंस, बैलेंस को हम एज वर्ब भी यूज कर सकते हैं, एज नाउन यूज कर सकते हैं। जब इसको एज वर्ब यूज करेंगे तब इसका अपोजिट अलग होगा, एंड जब इसको नाउन के तरह यूज करेंगे तब इसका अपोजिट अलग होगा। सो फ्रेंड्स, जानते हैं इनका अपोजिट क्या होता है और भी जानते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी कुछ रूल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, फोकस हियर। यहाँ फ्रेंड्स मैंने लिखा हुआ है नो अबाउट बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? संतुलन। अधिकतर आपने सुना होगा बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, और बैलेंस का अपोजिट आपने सुना होगा क्या? शायद जो मैं सोच रहा हूँ शायद वही आप भी सोच रहे हैं, डिसबैलेंस। सॉरी, डिसबैलेंस इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। अब आप सोचते हैं और फिर क्या होगा? सो फोकस, यहाँ पर बैलेंस है, ये मैं ट्रीट कर रहा हूँ एज नाउन। जब बैलेंस को नाउन की तरह ट्रीट करोगे तब इसका अपोजिट क्या होगा? जब नाउन की तरह ट्रीट करोगे तब इसका अपोजिट हो जाता है इम्बैलेंस। क्या हो जाता है? इम्बैलेंस। जब बैलेंस को नाउन की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं तब इसका अपोजिट होता है इम्बैलेंस। ओके, ये हो जाएगा, बैलेंस की हिंदी हो जाती है संतुलन, और ये हो जाता है असंतुलन। क्या हो जाता है? संतुलन एंड असंतुलन। अब हम बात करते हैं बैलेंस को जब हम एज वर्ब यूज करेंगे तब इसका हो जाता है संतुलित होना। क्या हो जाता है? संतुलित होना। अब इसका अगर हम वर्ब का अगर हमें अपोजिट चाहिए तब ये हो जाता है अनबैलेंस। क्या हो जाएगा तब इसका? अनबैलेंस। अब यहाँ पर हो जाएगा संतुलित करना, इसकी हिंदी क्या हो जाती है? संतुलित करना, संतुलित होना, और ये हो जाता है असंतुलित होना। फ्रेंड्स, इतना सबको समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सपोज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, योर वॉकिंग बैलेंस इज गुड। योर वॉकिंग बैलेंस इज गुड। अब यहाँ पर जो बैलेंस है ये वर्ब की तरह है या नाउन की तरह है? यहाँ पर क्या है? योर वॉकिंग बैलेंस, तुम्हारे टहलने का संतुलन अच्छा है। ये किसकी तरह यूज कर रहे हैं? ये यूज कर रहे हैं हम लोग एज नाउन। कुछ और एग्जाम्पल्स हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, यू अनबैलेंस वॉइल रनिंग। यू अनबैलेंस वॉइल रनिंग, दौड़ते समय आप क्या हो जाते हैं? अनबैलेंस। आपका संतुलन बिगड़ जाता है, आपका संतुलन खराब हो जाता है, आप असंतुलित हो जाते हैं। यू अनबैलेंस वॉइल रनिंग, ये क्या है? एज वर्ब की तरह यूज किया गया है, और जब इसको एज वर्ब यूज करेंगे तब ये उसका अपोजिट है, उसका नेगेटिव, किसका? बैलेंस का। तो क्या हो जाएगा? यू अनबैलेंस वाइल रनिंग, दौड़ते समय आप क्या हो जाते हैं? आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, इम्बैलेंस स्पॉइल्स लाइफ। इम्बैलेंस स्पॉइल्स लाइफ। अब यहाँ इम्बैलेंस क्या है? असंतुलन। असंतुलन जीवन को खराब कर देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं आपको एक और इससे रिलेटेड मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगा। बैलेंस क्या हो जाता है? संतुलन। ये वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, एज नाउन भी यूज करते हैं, बट बैलेंस क्या हुआ? बैलेंस। इसमें अगर हम एस जोड़ते हैं अब ये क्या हो गया? बैलेंसेस। एंड बैलेंसेस मिस होता है शेष राशि, बचा हुआ पार्ट मनी का, शेष राशि। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन अच्छा लगा है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं।